गोविंदवाडी, रमाबाई आंबेडकर चाळ व एकता नगर ह्या भागातील झोपडपट्ट्यांचे मीटर एमएससीबीने काढून नेल्यामुळे ह्या सर्व झोपडपट्ट्या 3 ते 4 दिवसापासून अंधकारमय होत्या। डोंबिवली काँग्रेस शहर अध्यक्ष शमशेर खान यांच्या लक्षात येताच त्यांनी ताबडतोब घटनास्थळी भेट दिली। एमएससीबीचे अधिकारी प्रजापती यांची भेट घेत सदरील प्रकार निदर्शनास आणून दिला। यावेळी प्रजापती यांनी मोलाचे सहकार्य करून सर्व मीटर बिले परत लावून देणार असल्याचे आश्वासन दिले। 3 दिवसापूर्वी वनवृक्ष प्राधिकरण अधिकाऱ्यांनी झोपडपट्ट्यांवर कारवाई करत झोपडपट्ट्या तोडण्यास घेतल्या होत्या। यावेळी काँग्रेस डोंबिवली शहर अध्यक्ष शमशेर खान यांना समजताच ते घटनास्थळी दाखल झाले व त्यांनी कार्यवाही रोखली। सुमारे 3,500 ते 4,000 झोपडपट्ट्या असून सर्व झोपडपट्ट्या 3 ते 4 दिवसापासून अंधकारमय होत्या। वृक्ष प्राधिकरण अधिकाऱ्यांनी सदरील 3,500 ते 4,000 झोपडपट्ट्यांवर कारवाई करण्या अगोदर एमएससीबीला पत्र देत लाईट कनेक्शन तोडण्यास सांगितले। त्यानुसार एमएससीबीने कारवाई करत सदरील झोपडपट्ट्यांचे कनेक्शन तोडले असल्याचे एमएससीबी अधिकारी प्रजापती यांनी यावेळी सांगितले। यावेळी काँग्रेसच्या महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री मरियम जाफर हुसेन ह्या घटनास्थळी दाखल होऊन नागरिकांना दिलासा देत त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले। एमएससीबीच्या अधिकाऱ्यांशी भेट घेतली। यावेळी ब्रह्मा मॅम, काँग्रेसचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते। ही रिपोर्टर तन्मय भोसले, मीडिया प्लस। सारे बॉक्सेस भी निकाल के अलग के दिए। बुलडोजर था, मैं उतर से निकले। बुलडोजर में मीटर बंद हो गई ना, और उन्होंने कुछ तो लेटर दिया था वो सेक्शन में। बस मुझे वो लेटर का नकल चाहिए ताकि मैं पालक मंत्री के पास जाऊं और ताकि मैं दिल्ली लेके जाऊं उस चीज को। और जब आप लोग का तोड़ा गया है, ठीक है, तो इसके लिए किसने उनको परमिशन दिया है? सबसे पहले अब 2 जनवरी या 3 जनवरी को हम 2 बस भर के मंत्रालय जाएंगे। उससे पहले अब 4 से 5 दिन में हम लोग लेटर तैयार करेंगे। बाला साहब तोरात के पास हम जाएंगे। हम लोग आप लोग के जो मैन है शमशेर सिंह लोग सब जो है, ठीक है, हम सब मिलकर यहाँ से पहले जाएंगे मंत्रालय में। हम लेटर लाएंगे, वहाँ पे हम लोग पूरा उसका परमिशन लेंगे। उसके बाद में 2 बस भर के बच्चे बूढ़े सब हम जाके वहाँ पे अभिषेक में बैठेंगे। जिस तरह उन्होंने बोलते हैं ना, बेदर्दी से तोड़ा है ना, उसी तरह नाक रगड़ के तुम लोग से माफी मंगवा के अगर इज्जत से ये पूरा घर मैंने बसा के नहीं दिया ना, तो मैं भी एक ईरानी के बच्चे नहीं। हम मंत्रालय के सामने बोलते ना, भूख हड़ताल जितने वो करेंगे, ये नहीं कि अगर तुम लोग के पास जिसके जिसके पास वोटिंग कार्ड है सब जरूरत बाबा के पास आप जमा करो। भाई के पास जिसके पास जिसने जब कनेक्शन लिया था लाइट का, वो फर्स्ट टाइम में वो कनेक्शन और ये 2019-2015 का वो सब पूरा ज्वाइन कर दो। उसके बाद में जितने बच्चे जितने स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए उनका आई कार्ड का जेरोक्स, ठीक है, ताली मारो, जितना राशन कार्ड है वो सब राशन कार्ड का जेरोक्स, और जितने लोगों के पास वोटिंग कार्ड है तो एक भी मंत्री को यहाँ पे आने देना नहीं अपने को जब तक यानी तुम लोग सिर्फ वोटिंग के टाइम पे आओगे और तो हम तुम्हारे पीछे है ना। चाहे उधर गंदगी रहे, चाहे कोई वहाँ पे हग रहा, मूत रहा, या कोई एक दूसरे के ऊपर गंदगी कर रहा है, तो तुम हाथ जोड़ोगे और उसके बाद में सोचोगे नहीं। अरे ये तो सोचो, तुम्हारे ये गरीबों के कांधे पे पैर रख के तुम आगे गए हो ना। तुम 5 साल के लिए खड़े हो और गरीबों के नाम से इन्हीं के पेपर वर्क से तुम 50 साल के कमा के रखते हो, चैंपियन बने हो। अब यहाँ पे जितने विधवा औरतें हैं उनका बोलते हैं ना, पूरा का पूरा यहाँ पे है ना, जितना भी है सबका संजय गांधी निराधन का बनेगा,
जो बूढ़े लोग हैं उनका ज्येष्ठ नागरिक का बनेगा, जिनके पास वोटिंग कार्ड है उनको फ्री में वोटिंग कार्ड मिलेगा, जिनके पास पैन कार्ड है उनको फ्री में पैन कार्ड मिलेगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो राशन कार्ड का हर चीज का अब यहाँ पर हर एक महीने हर 15 दिन में शिविर रहेगा ही रहेगा। बस ये नहीं कि तुम लोग अभी आगे आए हो फिर झोपड़ा बन गया तो अब हो गया, नहीं, 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 जिस बंदे ने तुम्हारे लिए इतना किया है तो तुमको भी चाहिए कि एक फोन पे उसके एक चीज के ऊपर आप लोग भी उसके लिए खड़े रहे, क्योंकि बोलते ना जो सच्चाई का ताज सर पे रखता है ना तो कांटो भरा रहता है वो, वो खास और कुछ नहीं। जिसको भगवान ने जो पद दिया उस फायदे उस पद का फायदा लेके इनके साथ में क्या भला कर सकते वो करना है, सही है बस, क्योंकि जितना हारना अपना हाथ नहीं है, सेवा करना सब का हाथ है। वहाँ पे था हम लोग का हिसाब किताब अलग था, हम लोग दिया जला कराता था, मीटर नहीं था, जब मीटर धीरे धीरे पैसा पानी जुगाड़ कर पाया था मीटर बैठाया, मीटर बैठाने के बाद अभी कोई हम लोग को मदद नहीं कर रहा, हमारा राशन कार्ड बना, राशन कार्ड बनाने के लिए किसी को 10,000 चाहिए, किसी को 15,000 चाहिए, अपन कमाने का खाने का है, कहीं 100 रुपया के लिए, देखो मैं कहाँ काम पे जाता हूँ, कांजुरमार हाउस पिकिंग का काम करता हूँ, 150 रुपया मिलता है, खाओ कि हम जमा करके राशन कार्ड बनाओ, बताओ हमारा वो हाल है। अच्छा, तो फिर आपको गवर्नमेंट का जो गेहूं तांदूल मिलता है वो कुछ भी नहीं मिलता है? नहीं नहीं, इधर कोई मैडम कुछ नहीं मिलता है, इधर कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। लाइट का देखो अचानक से काट लिया, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ कि नहीं, मैं घर पे भी नहीं था मैडम, मैं काम पे थी, मेरे को खबर गया, फोन गया, तब मैं भागते आया तरह तो चपट हो गया इधर का। आपने लाइट बिल कनेक्शन आपने खुद लिया है, आपके नाम का है? हाँ मेरा नाम का है मैडम। पेट सभी पालती है, हम लोग छाव सिर्फ ये धूप का छाव मांग रहे बस, हम लोग का साथ इतना आप लोग मदद करो हमारा, बस मदद आप लोग का हमको चाहिए। आप हमारा तो मैं मरीम जाफर हुसैन महाराष्ट्र महामंत्री के पद पे हूँ, महाराष्ट्र महासचिव, ठीक है। और शमशेर भाई ने जब यहाँ की समस्या हमको बताई, क्योंकि ये खुद भी सेवा दल के अध्यक्ष हैं और ये हमारी बामा मैडम है, जब हमको पता चला यहाँ पे ऐसा कुछ है, सबसे पहले तो आप कैमरा वहाँ पे ही घुमा दो, वहाँ पे क्या है शमशान भूमि, यहाँ पे हर कोई सिर्फ 10 मिनट आधा घंटा अपना आदमी जला के चला जाता है, ठीक है, और दोबारा जाते टाइम है ना या तावीज पहने गए या तो माला जपेगा, मगर ये लोग ये जंगल को है ना एक बोलते ना एक बाग बनाए अपने बच्चों का रहने सहने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे अगर हम जहाँ भी जाके थोड़ा बहुत आबादी करेंगे वहाँ बिल्डर लोग पहुँच ही जाएंगे, इसीलिए इन्होंने ऐसी जगह आबादी की है कि जो इंसान बोलते ना पूरी जिंदगी जीता है दो गज कफन के लिए ने वो जगह को आबाद किए, अब ये बिल्डर लोग के नज़र में वो जगह भी बोलते ना अब यहाँ पे कोई जिंदा तो नहीं रह सकता, यानी मुर्दा जो है उसके बगल में रहने के लिए भी ये लोग बोलते ना बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये जो सारा थामजाम है ना सिर्फ बिल्डर लोग का ही है और किसी का नहीं है। अब जब ये लोग 15-16 साल से यहाँ रह रहे थे तब पूरा जंगल एरिया था, कोई रास्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब से यहाँ से यहाँ लोग रहते हैं, बोलते ना चिमनी हाथ में ले लेके पूरे अंधेरे में ये लोग सब है, तो यहाँ पे बोलते ना टोल नाका बनता है, रोड बनता है, बड़े बड़े बिल्डिंग गरीबों की तरफ से ही बनता है, जब तक ये लोग मजदूरी नहीं करेंगे तो ये सारे जो बड़े आलिशान मकान है ना मैम उसमें कोई नहीं रह सकता है। तो बस अभी जिस तरह से बेदर्दी से इनका झोपड़े तोड़ा गया है, घर तोड़ा गया है, ये मीटरें निकाले गए, उसी तरह सरकार को भी हमारी यही एक निवेदन है कि वो उनका उनका मीटर ला के लगा दिया जाए, जिस तरह से इज्जत से लोग बिल जाके भरते थे ना उसी तरह इज्जत से मीटर ला के लगाया जाए, और दूसरी बात जितने झोपड़े टूटे हैं वो भी पूरा इनको बढ़ा के बना के बरोबर अच्छे से बना के उनको दिए ताकि रहे, और अभी तो रहने की जगह नहीं है, हमारे राइट साइड में यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, कौन से है वो बिल्डिंग है माड़ा की बिल्डिंग है जो खाली पड़ी है, तो इनको कोई खिड़की अभी तक पोजीशन किसी को दिया गया नहीं है, तो उनको ना खिड़की चाहिए ना दरवाजा ना पंखा ना सीलिंग, तो ये जितने भी घर टूटे हैं हम एक लेटर जाके मंत्रालय में देंगे और इजाजत लेंगे जितने झोपड़े टूटे हैं जब तक वो झोपड़े वो बिल्डिंग में वो लोग रहेंगे तब तक के ये सारे घर नहीं बनेंगे, बराबर है? अब हम यही कोशिश करेंगे आगे बोलते ना मरते दम तक ये कोशिश हम करेंगे, जितेंद्र अवार्ड सर के पास भी जाएंगे, पालक मंत्री के पास भी जाएंगे, फॉरेस्ट का जो है मेन आयोजन जो करके पूरा प्लान निकालता है उसके पास जाएंगे, क्योंकि मैम जब ये जब घर टूटे हैं ना ना यहाँ पे कोई रोड प्लान है कि कोई समझे इस बात को, ना कोई नाली का प्लान है और ना कोई महानगर पालिका का प्लान है, तो क्यों तोड़े हैं?
बस हमको उसका भी जवाब चाहिए और ये जो बेघर हुए हमको उनको उनका घर दिलाना है बस। जय हिंद जय महाराष्ट्र। हमें लोग इधर 15 वर्ष रहते है, सगले गड्ढे बिड्ढे बुजून जागा थोड़ी व्यवस्थित करून हमें राहायला लागलो। आम्हाला संडा पाण्याची काही योजना नाही, तरी पण आमचे रूम तोडायला मीटर कापून गेले। रूम तुटले नाही पण तोडणार म्हणून बोलले। 16-17 वर मेहनत करून आमचे फुकट जाणार आहे। पाणी संडाचा कुठ नाही, लाईट जसे गेले तसे मीटर वगैरे बसवून द्या आणि त्याची केबल उलट म्हणणार केबल आम्हाला आणून द्या, आम्ही मीटर लावतो, तर केबल बिन त्यांच्याकडून आली पाहिजे। मैं राजेश चौहान बोल रहा हूँ और ये हालत में मैं जो है अपना जो है पत्थर को तोड़ा, बुलडोजर हटाया, कूड़ा खड्डा पाला, मेरा ये हालत है। बीवी और बच्चे हम लोग को आज बिखरा दिए हैं, इतना साल से हम लोग रह रहे हैं, कम से कम 15 साल हो चुका है मुझे, और इस हालत में मैंने पत्थर तोड़ा है, खड्डा भरा है, उसको कूड़ा डिमांड नहीं था, एकदम शमशान भूमि था, रहने लायक कोई व्यवस्था नहीं था, जंगल था, यहाँ लोग लुखे लोग आते थे सब, मतलब हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं था, हम लोग ने सब मेहनत कर करके बनाया ये हालत में, लेकिन हम लोग को यहाँ से हटाया जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे के हटाया जा रहा है, हम लोग किधर जाएंगे, सबके नज़र में आ रहा है कि ये लोग ने बहुत सुंदर जगह बना दिया, लेकिन हम लोग ने मेहनत किया है, मजदूरी किया है, ये हालत में एक किडनी वाल ब्लॉक हो गया है तो भी हमने कर रहा हूँ, किसी के आगे भीख नहीं मांग रहा हूँ, हाथ नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन खुद को रह रहा हूँ तो हमको हटाया जा रहा है यहाँ से, हमारी प्रशासन हटा रही है, जिसका हम सपोर्ट कर रहे हैं वही हमारे को हटा रही है। हम सब कुछ हमारे पास है, इतना सालों से आधार कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, लाइट बिल है, सब कुछ हमारे पास पूर्व मौजूद है, लेकिन हमारे बच्चे नहीं है, सिर्फ मियाँ बीवी दो हैं तो भी हमको जगह से हटाया जा रहा है। जो सरकार के ऊपर भरोसा था कि सरकार आएगी मतलब अच्छा काम करेगी, गरीबों का दिल टूटा है, घर नहीं टूटा है, दिल टूटा है मैडम, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि, क्योंकि गरीब लोग ही सब काम करने हैं, बम्बई में जितना भी काम होता है सब गरीब लोग ही काम करने वाले हैं, बड़े लोग कोई काम नहीं करते हैं, गरीब जनता ही काम करती है। हम लोग मतलब ऐसा जंगल को मतलब वहाँ पे हम लोग छाट बीट के कैसे भी करके अपना घर बनाए और घर मतलब यहाँ पे कोई प्लान नहीं आया मैडम, खाली पॉकेट में मतलब गरीब लोग का बिना नोटिस का तोड़ा गया है, ये गलत बात है मैडम, ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को कुछ देखना चाहिए कि जनता आपका ही है, आपका ही राज्य में काम कर रही है, आपका ही हर टैक्स भर रही है, जो भी टैक्स आ रहा है सब जनता ही भर रही है, हम लोग भी भर रहे हैं। प्रशासन को ये भी समझना चाहिए था कि कोई तो नोटिस या कोई लेटर तो लाकर के दिखाना चाहिए था पब्लिक को कि नहीं यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं, इसको खाली करो, कैसे किस वास्ते से खाली करवाए, इनको जरा सोचना चाहिए। नमस्कार मैडम, मैं शमशेर गुलाम खान डोंबिवली शहर अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल, ये सगळे जेवढे आमचे रहिवासी आहेत नवीन गोविंदवाड़ीचे, रमाबाई चाल एकता नगरचे, ते सगळे आलेले, आम्ही आलो MSEB ऑफिसला, प्रजापती साहेबांना भेटलो, त्यांनी चांगल्या पद्धतीने सहकार्य केला आम्हाला, आणि त्यांचं म्हणणं आहे की ठीक आहे ज्याचे तुटले त्याचे तर आपण नंतर बघू, पण ज्या की घर आहेत आता त्यांचं मीटर काढलेलं आहे, त्यांचे एक मागचे बिल जे असतील ते आणि एक अर्जी द्या, ते आम्ही लावून देणार आहे, तर आता यांचं जेवढे मीटर बाहेर पडलेले आहे, जेवढं काढलेलं आहे ते सगळं त्यांना लावून देणार आहे, त्यांनी हमी घेतलेलं आहे, आम्ही 3 दिवस झाले प्रयत्न करतो आहे, आता ते प्रयत्नाचं यश भेटलेलं आहे आम्हाला, आणि आम्ही MSEBला मराठी बहुत लोगों समझ में नहीं आ रहा इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है कि डोंबिवली शहर अध्यक्ष शमशेर खान कांग्रेस पार्टी के कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे, तो 3 दिन से मैं मेहनत कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था इन लोगों के लिए कि इन लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, तो आज हम लोग ने पूरी मंडली हमारी मंत्रालय के कुछ मैडम आई हुई हैं, कुछ हमारे सहयोगी हमारे सीनियर आए थे, तो हमने जाके प्रजापति साहेब MSEB के साहब से हमने बात किया, तो उन्होंने अच्छे तरीके से समझाकर हमारी सहायता की, और उन्होंने कहा है कि ठीक है जो घर टूट गए उनके बारे में तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो घर अभी बचे हुए हैं जिनके अंधेरे में बच्चे लोग सो रहे हैं, कुछ डिलीवरी पेशेंट हैं, कुछ वरिष्ठ हैं, उनके मीटर हम अपने तरफ से लगाएंगे, लेकिन आप जो पिछला बिल है वो दे दें और एक अर्जी लिख के दें, तो ये हमें बहुत खुशी हो रही है कि MSEB ने भी हमारे पक्ष की, हमारी मान रखी, हमारे ये गरीब कार्यकर्ता, हमारे गरीब लोग रहवासियों की मान रखी, और उन्होंने एकदम कायदे से, और मैं अपने कांग्रेस पक्ष को भी एकदम धन्यवाद करता हूँ कि हमारे मंत्रालय के सीनियर लोगों ने भी एकदम कायदे से बात किया, कोई दादागिरी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, एकदम कायदे से, क्योंकि जो कलम कर सकता है वो तलवार कभी नहीं करेगा, इसलिए हमने हमारा विश्वास था कि हम जो भी करेंगे वो कलम के तौर पे करेंगे, और ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हमारा काम सक्सेस हुआ, इसके लिए मैं MSEB को, हमारे जितने भी मुंबई पुलिस है,
और जितने भी हमारे सब ने जितने भी सपोर्ट किए उनको सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।